सुबह के 10:15 बजे नारिमन पॉइंट पे सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के और आपको एक व्यू दिखाऊं नारिमन पॉइंट सुबह 10 बजे जनवरी में कैसा दिखता है। फॉग बहुत ज़्यादा है, इसको मिस्ट कहिए फॉग कहिए। और यहाँ से आपको दिखेगा क्वींस नेकलेस, ये पूरा दिस इज द क्वींस नेकलेस। अगर रात को देखें इसको ऊपर से तो ये बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए आप, और यस द आइकॉनिक ओबेरॉय, और साथ में ये ट्राइडेंट। ट्राइडेंट बॉम्बे की खूबसूरती, इनफैक्ट साउथ बॉम्बे। भाई साहब सोते हुए, इनका निन्नू टाइम है अभी। सुबह लोग 7 बजे से ही यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, खासतौर से जो लोग यहाँ रहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, साथ में समुद्र और ये सुंदर नज़ारा। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आया हूँ यार, मेरी मीटिंग है एक कस्टमर के साथ जो नारिमन पॉइंट पे ही है, और हम लोग टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गए तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ। ये फ़ायदा रहता है अगर आपके पास कैमरा हो और आप ब्लॉगर हो। देखिए जहाँ तक आप देख पाएंगे इतना धुंध है यहाँ पर इस टाइम पे। बॉम्बे में नॉर्मली इस तरह की मिस्ट नहीं देखी जाती, बट पॉल्यूशन लेवल्स आर रियली हाई, व्हाट टू डू। लोग रात को यहाँ आइसक्रीम खाने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ चिल आउट कर सकते हैं, डिनर करिए। मिडनाइट मील्स यहाँ बहुत जैसे कहते हैं फैशनेबल हैं। आप रात को 11 बजे आइए फैमिली के साथ, डिनर करिए, 12-1 बजे फिर निकलिए यहाँ से। एंड यस, नज़ारा मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ, इससे सुंदर क्या है बताइएगा। आमची मुंबई जनरली आपको इतना खाली नहीं दिखेगा। ये शाम को अगर आप आएंगे या फिर आप अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, और शाम को तो इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे स्पेशली पेंडेमिक से पहले। अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं शाम को यहाँ कभी आया नहीं हूँ, बट मॉर्निंग वॉक के लिए इट इज़ एन आइडल प्लेस। आपको बहुत लोग दिखेंगे यहाँ सुबह जॉगिंग करते हुए, कुछ लोग अपने डॉगीज के साथ, कुछ लोग वैसे ही, मज़ा आता है यहाँ वॉक करके। ये पेंडेमिक के बाद से आई थिंक इसको बंद कर दिया है, अदरवाइज हम लोग आगे तक जा सकते थे यहाँ पे, और लोग यहाँ खड़े होके काफ़ी फोटोज खिंचवाते थे। नारिमन पॉइंट, जो पॉइंट है वो यही है, दिस इज द पॉइंट। सो पहले हम लोग यहाँ आगे जाके फोटोज खिंचवाते थे, अब ये पुलिस ने बंद कर दिया है। ऐसे ही कुछ पत्थर आपको बैंड स्टैंड पर मिलेंगे जो कुची क्वीन के लिए बड़े फेमस हैं। अब कुची क्वीन मत पूछेगा मुझसे क्या होता है, बट ये है हम सब का अपना मुंबई नारिमन पॉइंट। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे और बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, अगर मैं आपको अभी दिखा पाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा, जिसका नाम है ये पिज़्ज़ा बाय द बे। अगर आप देख पाए और ये
होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, आपका कैफे कॉफी डे। और ये क्रिकेट लवर्स का सबसे बड़ा स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ से तो शायद नहीं दिखेगा सिंस आई एम ड्राइविंग, बट ये देखिए, ये आपको वानखेड़े स्टेडियम की पीछे दीवार दिखेंगी, दो बिल्डिंग्स के बीच में अगर आप देखेंगे, ये वानखेड़े स्टेडियम है।